नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने वैक यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले हैं पीकेएल सीजन 10 का जो 14th मुकाबला खेला जाएगा बेंगलुरु बुल्स वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स के बीच में, इसको लेके हम डिटेल्स में देखेंगे परखेंगे, फिर हम बात करेंगे अपनी फैंटेसी टीम को लेके। ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बातें बताऊंगा उसको ना सिर्फ स्मॉल लीग, आपको मिनी जीएल जीएल में भी लगाने हैं। वही बातें आपको करनी है जो मैं आपको मैट पे बताऊंगा, जो मैं आपको स्टेट्स दूंगा, और मिनी जीएल जीएल में आपको अच्छा खासा रैंक लेके आ जाना है। लास्ट मैच को लेकर बात करें कबड्डी का, आपके सामने रिजल्ट है। तकरीबन मैंने जो है 32-33 कंटेस्ट ज्वाइन किए थे, मात्र एक कंटेस्ट आ रहा था, सारा का सारा क्लीन स्वीप गया हुआ था, और उम्मीद करेंगे यहाँ भी कुछ उसी तरह का रिजल्ट देखने को मिले। अब दोस्तों, स्टार्टिंग 7 आने के बाद अगर हमारे टीम में कुछ भी फेरबदल होता है तो उसका अपडेट मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अपने टेलीग्राम चैनल पर देने वाला हूँ। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, चले जाना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वहां पे जाने के बाद आपको सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक करके आप सभी भाई को टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लेने हैं। और साथ में जो भाई अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए करके रख लो। रीजन क्या है कि एकमात्र चैनल आपको फैंटेसी का दिखेगा जहां पे बिग बैश लीग हो, सुपर स्मैश हो, मेंस इंटरनेशनल हो, वुमेंस इंटरनेशनल हो, मेंस ओडीडी ऑस्ट्रेलिया वाला हो, वुमेंस ओडीडी ऑस्ट्रेलिया वाला हो, सब कुछ आपको कवर होते नजर आने वाला है। तो आप अभी की अभी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। अब आइए हम मैच को लेकर बात करते हैं। तो दोनों टीम आमने सामने आई हैं, 8 बार 5 बार बेंगलुरु बुल्स जीती हैं, 3 बार हरियाणा स्टीलर्स। यहाँ भी मुझे बेंगलुरु बुल्स फेवरेट नजर आ रही हैं। अगर हम बात करेंगे लास्ट के मैच को लेकर हेड टू हेड, तो बेंगलुरु बुल्स 27 पॉइंट लाई थी, हरियाणा स्टीलर्स 29। अगर हम हेड टू हेड के अकॉर्डिंग बात करें कौन से प्लेयर हमारे लिए इस मैच में अच्छे पिक होंगे, सिद्धार्थ देसाई, नाम बड़े, दर्शन अभी छोटे हैं, इस सीजन में एक ही मुकाबला खेले हैं, वहां पर अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ। फिर राहुल सतपाल, भरत हुड्डा और विकास कंडोला। कबड्डी आप किस टाइप पे खेल रहे हो ना, ये भी बहुत ज्यादा डिपेंड कर लेता है। जैसे कि आज मुकाबला खेला जाएगा बेंगलुरु वर्सेज हरियाणा के बीच में 8 बजे, उस मैच में मैं करने वाला हूँ 11 चैलेंजर्स पे जम के इन्वेस्टमेंट। रीजन क्या है कि आपको 11 चैलेंजर्स दूसरे ऐप की तुलना में ले रही है कम एंट्री फीस। दूसरे एप्लीकेशन जहां पर लेती है 3850 रुपीज, 11 चैलेंजेस आपसे लेती है 3699 रुपीज। दूसरे एप्लीकेशन जहां पे 4 मेंबर के लिए लेती है 2999, 11 चैलेंजेस आपके लेती है 2756 रुपीज। उसके बाद इंस्टेंट विड्रॉल आपको एप्लीकेशन देती है, यहाँ पे यूजर्स अच्छे खासे बड़े बड़े हैं, और साथ में 3-4 साल से ट्रस्टेबल एप्लीकेशन भी चल रही हैं, सरफराज जो हैं इनके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो ढेर सारे यहाँ पे और भी आपको फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, इंस्टेंट विड्रॉल दिखेंगे, और मैं तो वही सब खेलने वाला हूँ इस मैच को बढ़ चढ़ के 11 चैलेंजेस पे। अगर आप भी 11 चैलेंजेस पे खेलना चाहते हैं तो आपको बस एक काम करना होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे इसका लिंक दिख जाएगा, डाउनलोड कीजिए व्हाट्सअप और यहाँ पे जाके खेलना स्टार्ट कर दीजिए। जब खेलोगे तब आपको मालूम चल जाएगा मैंने आपको क्यों रिकमेंड किया 11 चैलेंजर्स। अगर हम बात कर लेंगे पीकेएल सीजन 9 में हरियाणा स्टीलर्स का सबसे तुरुप का क्या कौन साबित हुआ था, सिद्धार्थ देसाई। 17 मैच में 144 टोटल पॉइंट, 142 रेड पॉइंट था इनका, और सुपर 10 लगाए थे 6। चंद्रन रंजीत CR66, 17 मैच 99 टोटल पॉइंट, 95 रेड पॉइंट, 2 सुपर 10 लगाए थे। डिफेंस में बात कर लेंगे, मोहित को लेकर बात करें 20 मैच 44 टैकल पॉइंट, 6 सुपर टैकल। जयदीप दहिया 21 मैच 54 टैकल पॉइंट, 5 सुपर टैकल। मोहित नांदल 21 मैच 44 टैकल पॉइंट, 4 सुपर टैकल। मोनू हुंडा 21 मैच में 44 टैकल पॉइंट, 4 सुपर टैकल। ध्यान रखिएगा इस सीजन में मोनू के जगह पे जो इनका पोजीशन है राइट कॉर्नर का, वहां पे खेल रहे राहुल सतपाल। अब आइए हम बात करते हैं हरियाणा के लास्ट मैच को लेके। तो लास्ट मैच में लग ही नहीं रहा था कि हरियाणा की टीम खेल रही है, वन साइडेड हार के आ रही है। वहां पे देखिएगा एक मैच खेले हैं वो भी हारे हैं, उस मैच में रेड पॉइंट 15 थे, सुपर रेड 0, टैकल पॉइंट 12, ऑल आउट पॉइंट 0, एक्स्ट्रा पॉइंट 0। अगर हम बात करेंगे उस मैच में आखिर हुआ क्या था, तो मोहित 1 रेड किए हुए थे, वहां पे 1 रेड पॉइंट, 3 टैकल पॉइंट, 1 बोनस, टोटल 5 पॉइंट। विनय को लेकर बात कर लेंगे, 3 रेड टच, 2 बोनस, टोटल 5 पॉइंट। सिद्धार्थ देसाई बिल्कुल फॉर्म में नहीं थे, 1 रेड टच, 3 बोनस, टोटल 4 पॉइंट। आशीष 1 रेड टच, 1 टैकल, 1 बोनस, टोटल 3 पॉइंट। राहुल सतपाल 2 टैकल पॉइंट, 1 इनका था बोनस, टोटल 3 पॉइंट। मोहित को लेकर बात कर लेंगे, तो इन्होंने एक जो है मोहित ने जयदीप 1 टैकल किए हुए थे, वो भी सुपर टैकल, टोटल 2 पॉइंट। मोहित को लेकर बात करें तो 2 इन्होंने जो है टैकल किए हुए थे। प्रपंचन एलन सब्स्टिट्यूट आए थे, 2 बोनस लिए हुए थे। उसके अलावा शिवम पतारे को लेकर बात कर लेंगे, 1 बोनस लेके गए थे, बाकी किसी ने कुछ खास किया नहीं था। अब आइए हम बात करते हैं हरियाणा स्टीलर्स की स्टार्टिंग 7 इस मैच में क्या रहने वाली है। तो आपको दिख जाएंगे सिद्धार्थ देसाई, ये आपको दिखेंगे लेफ्ट रेडर, ध्यान रखिएगा। फिर आपको दिख जाएंगे जयदीप दहिया, ये दिखेंगे आपको लेफ्ट कवर पे। फिर आपको दिख जाएंगे मोहित नंदल राइट कवर पे। विनय को लेकर बात कर लेंगे, राइट रेडर है आशीष,
राइट रेडर हैं। उसके अलावा ये आपको जो है कभी लेफ्ट इन पे दिखेंगे, कभी राइट इन पे दिखेंगे। राहुल सतपाल आपको दिख जाएंगे खेलते हुए इस मैच में राइट कॉर्नर पे, फिर आपको मोहित दिखेंगे लेफ्ट कॉर्नर पे। एज एन सब्स्टिट्यूट बात करें आपको दिख जाएंगे सनी सहरावत, हर्ष दिख जाएंगे। उसके अलावा यहाँ से मुझे कोई आते नजर आ रहे हैं उसमें मुझे लगता है हिमांशु कभी कभार आ सकते हैं, शिवम पतारे कभी कभार आ सकते हैं, लेकिन चांस बहुत ही कम है। प्रपंचन को ये टीम जो है मौका दे सकती है और मोनू हुड्डा को तभी मौका देंगी जब राहुल सतपाल का दिन अच्छा नहीं होगा। अब आइए हम बात करते हैं हरियाणा के प्लेयर के पिछले सीजन किसका कैसा प्रदर्शन था। राहुल सतपाल 18 पॉइंट लेके आए थे, 46% टैकल इनका सही था। आशीष को लेके बात करेंगे, प्लेयर तो बहुत ही अच्छा है, पिछले मैच में भले अच्छा ना खेलूं लेकिन आप इनसे अच्छा उम्मीद कर सकते हो। 120 पॉइंट लेके आए थे, 61% रेट इनका सक्सेसफुल था, 37% टैकल भी सक्सेसफुल था। मोहित नंदल को लेकर बात कर लेंगे, ये आपको खेलते दिखेंगे राइट कवर पे, जहां पे 45% टैकल इन्होंने सक्सेसफुल किए थे और कभी कभार रेडिंग करने आ जाते हैं तो उसको आप रेडिंग में ना ही काउंट कीजिएगा तो अच्छा होगा। विनय को लेकर बात कर लेंगे, 33 पॉइंट्स लेके आए थे, 62% रेडिंग का सक्सेसफुल था। जयदीप दया 57 पॉइंट्स लेके आए थे और इनका अगर बात करें टैकल में 75% टैकल सही था, वो भी दोस्तों पिछले मैच में आके थोड़ा सा गिरा है, नहीं तो 77% तक सही था इनका। फिर रेडिंग में से आप नहीं उम्मीद कीजिएगा। सिद्धार्थ देसाई को लेकर बात कर लेंगे, 144 पॉइंट लाए थे, रेडिंग 63% इनका सही था, टैकल में उम्मीद नहीं कीजिएगा। मोहित को लेकर बात कर लेंगे, 44 पॉइंट्स लेके आए थे, 49% टैकल इनका सक्सेसफुल था। अब यहाँ पे सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, जैसे कि आप देखे होंगे मोहित को कभी कभी रेडिंग में यहाँ पे मैंने जो है वो परसेंटेज दिए हुए कितने परसेंट रेडिंग का सक्सेसफुल था। फिर आप देखोगे जयदीप दहिया का, फिर यहाँ पे देखोगे टैकल में सिद्धार्थ देसाई का आप 25% टैकल देखोगे सक्सेसफुल था। इसका मतलब क्या है? ओकेजनली कभी कभी क्या होता है, कबड्डी का एक रूल है कि आप जिसको पहला टच कर दोगे उसके बाद आपको कोई भी टैकल करे पॉइंट जिसको आप टच किए उसी को मिलेगा। तो सिद्धार्थ देसाई साहब के साथ ये चीज़ बहुत बार हुआ है। उसके बाद अगर आप मैट पे लास्ट डिफेंडर हो तो कोच साहब कहते हैं कि जाओ बेटा तुम ही जो है वो रेडिंग कर लो, आउट हो गए तो कोई बात नहीं, हम सारा प्लेयर को मैट पे भेज देंगे। वहाँ पे वो जो है अपना सब्स्टिट्यूट को समाप्त करना नहीं चाहते हैं, इसी वजह से कभी कभार जाते हैं मोहित तो पॉइंट ला लेते हैं, कभी कभार जयदीप जाते हैं तो पॉइंट लेके आ जाते हैं। अब भाई हम बात करते हैं बेंगलुरु बुल्स को लेके, और मुझसे पूछेगा इस सीजन सबसे बेहतरीन टीम कौन है, तो मैं रैंक वन पे जो है मेंशन करूंगा पुणे रिपल्टन, रैंक टू पे बेंगलुरु बुल्स। भरत हुड्डा 23 मैच में 16 सुपर 10, 282 टोटल पॉइंट लाए थे, 279 रेड पॉइंट। विकास कंडोला 24 मैच में 139 टोटल पॉइंट, 135 रेड पॉइंट, 4 सुपर 10। अभिषेक सिंह इनका तो फॉर्म बेरा घर वाला है, 16 मैच टोटल पॉइंट 59, 56 रेड पॉइंट, 0 सुपर 10। अगर हम डिफेंस में बात कर लेंगे, डिफेंस चलाएंगे सौरभ नांदल 24 मैच में 72 टैकल पॉइंट, 4 सुपर टैकल। ध्यान देखिएगा ये कहां इनका पोजीशन है, इनका पोजीशन है राइट कॉर्नर पे। फिर आपको दिख जाएंगे विशाल लाठर, इनका पोजीशन है लेफ्ट कॉर्नर पे, 22 मैच 58 टैकल पॉइंट, 1 सुपर टैकल। अमन अंटिल 24 मैच 60 टैकल पॉइंट, 3 सुपर टैकल। विकास कंडोला 24 मैच 4 टैकल पॉइंट और 0 सुपर टैकल। अब भाई हम बात करते हैं बेंगलुरु बुल्स का लास्ट मैच में क्या हुआ था। तो लास्ट दो मैच खेले हैं, दोनों का दोनों हार के आ रहे हैं, पता नहीं इनको भाई क्या हो गया है इनका। देखिएगा तो लास्ट मैच में 30-32 से बंगाल के साथ हार के आ रहे हैं, जहां पे इनका जो रेड पॉइंट था वो 14 था, सुपर रेड 1 था, टैकल पॉइंट 11, ऑल आउट 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा 3 पॉइंट। इस मैच में भरत को लेकर बात कर लेंगे, 3 डेड टच 1 टैकल 2 बोनस टोटल 6 पॉइंट। नीरज नरवाल 3 डेड टच 2 टैकल और टोटल 5 पॉइंट। विशाल लाठर 4 टैकल किए हुए थे। विकास कंडोला 2 रेड टच 1 बोनस टोटल 3 पॉइंट। सचिन नरवाल एज एन सब्स्टिट्यूट आए थे, 1 रेड टच 2 बोनस टोटल 3 पॉइंट। सुरजीत 2 टैकल, उसके अलावा अमन अंटिल 2 टैकल किए हुए थे। अब भाई हम बात करते हैं बेंगलुरु बुल्स का स्टार्टिंग 7 क्या रहने वाला है। आपको दिखेंगे विकास कंडोला, ये लेफ्ट रेडर है। फिर सुरजीत आपको दिख जाएंगे राइट कवर पे, लेफ्ट कवर पे दिखेंगे विशाल लाठर। फिर भरत आपको दिखेंगे एज एन लेफ्ट रेडर, कभी कभी राइट से भी शुरू कर देते हैं, ये बात और है। नीरज नरवाल आपको दिखेंगे राइट रेडर, लेकिन कभी कभी लेफ्ट से भी शुरू कर देते हैं। सौरभ नंदल आपको दिख जाएंगे राइट कॉर्नर, अमन अंडील आपको दिखेंगे लेफ्ट कॉर्नर। एज एन आपको सब्स्टिट्यूट दिख जाएंगे अभिषेक सिंह राइट रेडर, सचिन नरवाल राइट रेडर, ऑलराउंडर आपको दिखेंगे रन सिंह, लेकिन ऑलराउंडर से ज्यादा आप इनका जो है ना वो टैकल पे ध्यान दीजिएगा, जिनके पोजीशन है वो है यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर वाली अमन अंडील के पास, जो कि बेहतरीन फॉर्म में है, तो शायद इनको मौका नहीं के बराबर मिले। फिर आपको दिख जाएंगे प्रतीक और मोनू। अब भाई हम बात करते हैं बेंगलुरु बुल्स के प्लेयर का पिछला सीजन किसका क्या रहा था। सौरभ नांदल 73 पॉइंट्स लेके आए थे, 51% टैकल इनका सक्सेसफुल था। अगर बात करेंगे भरत हुड्डा को लेके, 282 पॉइंट, 71% रेट सही। और ये ध्यान रखिएगा इस सीजन में देख रहा था टैकल में एक्टिव नजर आ रहे थे इन पोजीशन से, कभी खेलेंगे राइट इन, कभी खेलेंगे लेफ्ट इन, अधिकांश खेलेंगे ये आपको खेलते दिख जाएंगे राइट इन पे। सुरजीत सिंह को लेकर बात करेंगे, इनका 19 पॉइंट था, 33% टैकल सही, लेकिन इस मैच में आपके स्वरूप के साबित हो सकते हैं। विकास कंडोला 140 पॉइंट, 40% रेट सही, 25% टैकल सही। नीरज कुनरवाल को लेकर बात करेंगे, 115 पॉइंट, 46% रेट सही था और टैकल 42% सक्सेसफुल था। अमन अंकिल को लेकर बात कर लेंगे, 60 पॉइंट्स इनका टैकल सही था, 40 यहाँ पे 40 60 टैकल था पॉइंट्स में और 45% परसेंटेज में था।
विशाल लाठर को लेकर बात कर लेंगे, 58 points इन्होंने टैकल से निकाले थे, 38% टैकल इनका सक्सेसफुल था, खूब रिस्क लेने को लेकर जाने जाते हैं विशाल लाठर। अब आइए हम बात करते हैं बेस्ट कैप्टन वीसी के मटेरियल इस मैच में कौन होंगे। सिद्धार्थ देसाई ग्रैंड लीग में, मिनी जीएल में, जीएल में आप जो है ना भैया राहुल सतपाल को दे देना, रीजन के सामने लेफ्ट रेडर भरे पड़े हैं, और ये आपको दिखेंगे रेड कॉर्नर पे भरत हुड्डा और ग्रैंड लीग में विकास कंडोला। अब दोस्तों यहाँ पे जो मैं आपको 3 से लेकर 5 मिनट बातें बताने वाला हूँ उसको जो भाई समझ लोगे उसके लिए ना सिर्फ स्मॉल लीग मिनी जीएल जीएल भी आसान हो जाएगा, बट ध्यान रखना जो मैं आपको बातें बताऊंगा उसको समझना होगा, परखना होगा, और जो हम यहाँ पे जो है स्क्रिप्ट लिखेंगे ना वही आपको मैच में होते नजर आ जाएगा। आपको यहां से मालूम चलेगा कौन सा रेडर किस डिफेंडर के पास जाने वाले हैं और कौन सा डिफेंडर किस रेडर को टैकल करने वाले हैं। तो पहले हम बात कर लेंगे यहाँ पे बेंगलुरु बिल्स के जो रेडर होंगे वो किस डिफेंडर हरियाणा के पास जाने वाले हैं। तो हरियाणा का डिफेंडर का पहले पोजीशन जान लो, आपको दिख जाएंगे राइट कॉर्नर पे राहुल सतपाल, उसके अलावा आपको दिख जाएंगे ये आपको दिखेंगे राइट कवर पे मोहित नांदल, उसके अलावा जयदीप दिख जाएंगे आपको लेफ्ट कवर पे, देन आफ्टर आपको दिख जाएंगे मोहित दिखेंगे लेफ्ट कॉर्नर पे। पोजीशन क्लियर है, ठीक है। अब इनके तरफ से मेन रेडर कौन होंगे आप ये परसेंटेज में निकाल के देख लो, तो मुझे लगता है कि 50% रेड करेंगे भरत हुड्डा, 30% करेंगे यहाँ से विकास कंडोला, और 20% करेंगे नीरज नरवाल, ठीक है। तो आपको भरत दिख जाएंगे लेफ्ट रेडर भी और राइट रेडर भी। तो अब किधर से स्टार्ट करेंगे वो तो मैच में के टाइम मालूम चलेगा, फिलहाल हम मान के चलते हैं कि भरत हुड्डा राइट के साइड से स्टार्ट करेंगे। तो वो सबसे पहले किसके पास जाएंगे, वो जाएंगे उनका यहाँ पे इंतजार करेंगे नाम है जिसका मोहित खेलर, ध्यान रखिएगा मोहित नांदल और मोहित खेलर दोनों अलग प्लेयर हैं। उसके बाद राइट कवर पे होंगे मोहित नांदल, उसके बाद इनका इंतजार करेंगे यहाँ पे राहुल सतपाल, ठीक है। तो इनको टैकल करेंगे मोहित, दोनों मोहित में मोहित खेलर मोहित नांदल और यहाँ पे राहुल सतपाल। इनके पास दूसरा मेन रेडर होगा वो होगा विकास कंडोला, और यहीं से आपको जानना है अगर भरत हुड्डा लेफ्ट रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा। भरत हुड्डा के लिए भी यहाँ से लेफ्ट रेडिंग में मैं बातें बता रहा हूँ, कंसेप्ट जो क्लियर कर रहा हूँ वो यहाँ भी लागू होगा, और विकास कंडोला तो मेन लेफ्ट रेडर है ही। तो ये जाएंगे सबसे पहले यहाँ पे इनका इंतजार करेंगे, आपको दिख जाएंगे राहुल सतपाल, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख जाएंगे इस टीम की सबसे बेहतरीन डिफेंस में से एक जयदीप दहिया, बेहतर आप इनसे उम्मीद कर सकते हो। पिछले मैच को देखते आप जयदीप को कहीं भी रेट मत करना, बहुत लाजवाब डिफेंडर हैं, अपने दिन कब हाईफाई लगा देंगे आपको मालूम भी नहीं चलेगा। उसके बाद इनको टैकल करेंगे मोहित खेलर, ठीक है। इनके पास तीसरा रेडर है नीरज नरवाल, वो भी राइट के साइड से शुरू करेंगे, तो वो जाएंगे सबसे पहले मोहित खेलर के पास, फिर मोहित नंदल के पास, फिर राहुल सतपाल के पास। ये भी कभी कभी लेफ्ट से शुरू कर देते हैं, तो ये जाएंगे राहुल सतपाल के पास पहले, फिर जाएंगे जयदीप के पास जो कि इनका इंतजार करेंगे लेफ्ट कवर पे, और फिर जाएंगे मोहित खेलर के पास। तो आपको ये मालूम चल गया बेंगलुरु बुल्स के रेडर किस डिफेंडर के पास जाने वाले हैं हरियाणा स्टीलर्स का। अब हम बात करेंगे हरियाणा स्टीलर्स के रेडर किस डिफेंडर के पास जाने वाले हैं बेंगलुरु बुल्स का। तो आपको यहाँ पे ये मालूम करना होगा कि हरियाणा स्टीलर्स के जो मेन रेडर होंगे वो कौन होंगे। तो इधर से आपको दिख जाएंगे एज ए मेन रेडर सिद्धार्थ देसाई, अगर दिन अच्छा होता है तो ये तकरीबन 50% रेट डालेंगे। बाकी के जो रेडर हैं वो विनय डालेंगे, उसके अलावा आशीष डालेंगे, और उसके अलावा टीम को अगर जरूरत पड़ी तो के प्रपंजन को लेके आएंगे, और अभी तक चंद्रन रंजीत का कोई फिटनेस का जो है न्यूज़ बाहर निकल के नहीं आया है। अब आपको इधर का पोजीशन क्लियर होनी चाहिए। तो आपको सौरभ नंदल दिख जाएंगे राइट कॉर्नर पे, उसके अलावा आपको सुरजीत दिख जाएंगे डिफेंडर कहाँ पे भाई साहब, ये आपको दिखेंगे राइट कवर पे। फिर नीचे से बात कर लेंगे, आपको अमन अल्टे दिख जाएंगे लेफ्ट कॉर्नर पे, और विशाल लाठर आपको दिख जाएंगे लेफ्ट कवर पे, क्लियर। अब देखिए इधर से कौन आएंगे सबसे ज्यादा, सिद्धार्थ देसाई। कहां से रेड करेंगे लेफ्ट साइड से, कहां जाएंगे सबसे पहले वो जाएंगे सौरभ नांदल साहब के पास, कोई दिक्कत। उसके बाद ये जाएंगे यहां पे इनका इंतजार करेगा लेफ्ट कोर पे विशाल लाठर साहब, और फिर आपको यहां पे दिख जाएंगे अमन अंटिल उनके पास जाएंगे। तो सिद्धार्थ देसाई को अगर कोई टैकल करेगा तो यही तीन। उसके बाद देखिए इनके पास अगर प्रपंजन ये लोग स्टार्टिंग सेवन में लेके आते हैं तो वो भी आपको दिखेंगे लेफ्ट रेडर, वो भी जाएंगे किसके पास, यहाँ पे जाएंगे वो इनके पास नांदल साहब के पास। उसके बाद ये जाएंगे यहाँ से इनका इंतजार करेंगे विशाल लाठर, और यहाँ पे फिर लेफ्ट कॉर्नर पे अमन अंटिल। इनके पास एक और लेफ्ट रेडर है जिसका नाम है चंद्रन रंजीत, उनका भी सेम सिनेरियो होगा, पहले जाएंगे यहाँ पे सौरभ नांदल के पास, फिर विशाल के पास, फिर यहाँ पे अमन अंटिल के पास। तो कौन सी इनकी स्टार्टिंग सेवन होंगी वो भी अपने आप में बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है, उसके अकॉर्डिंग हम फाइनल को लेकर चलने वाले हैं। फिर आपको दिख जाएंगे यहाँ से जो एक और रेडर होंगे जिसका नाम है दोस्तों विनय आपको दिख जाएंगे, वो एक राइट रेडर हैं, वो जाएंगे सबसे पहले अमन के पास, फिर यहाँ पे जाएंगे सुरजीत बाजी के पास जो कि इंतजार करेंगे राइट कवर पे, और फिर वो जाएंगे सौरभ नांदल के पास राइट कॉर्नर पे, वो इनका इंतजार करेंगे। फिर आशीष को लेकर बात कर लेंगे, रेडर तो भरे भरे हैं लेकिन वही क्लिक करे तब तो, आशीष भी एक राइट रेडर हैं जो जाएंगे सबसे पहले यहाँ पे अमन के पास जो कि इंतजार करेंगे लेफ्ट कॉर्नर पे, फिर राइट कॉर्नर पे सुरजीत के पास जाएंगे, फिर जाएंगे सौरभ नांदल के पास।
क्लियर है, अब इनके तरफ से मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि इनके जो चारों डिफेंडर है ना, वो डिपेंड करेंगे कि सामने वाली टीम स्टार्टिंग सेवन क्या अनाउंस करती है। जैसे पिछले मैच में इन्होंने आशीष और विनय दो राइट ट्रेडर लेके गए थे और एक यहाँ पे सिद्धार्थ देसाई को लेफ्ट ट्रेडर के तौर पर लाया था। आशीष का दिन अच्छा नहीं था तो इन्होंने तुरंत जो है बेंच से बुला लिए थे, किसको, ये बुलाए थे प्रभंजन को जो कि लेफ्ट ट्रेडर है। तो क्या स्टार्टिंग सेवन होगा, क्या सब्स्टिट्यूट होगा, वो जो है हरियाणा का बहुत कुछ डिसाइड करने वाला है। अब भाई हम बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम को लेके। तो देखिएगा, मैंने जो अभी टीम बनाए उसमें मैंने अपने आप को पहले ये डिसाइड किया कि कौन सी टीम इस मैच को जीतेंगी। तो मुझे लगता है इस मैच को बेंगलुरु बुल्स की जो टीम है ना वो विन कर जाएंगी। तो अगर बेंगलुरु की टीम विन करेंगी तो हम विन कर जाएंगे, क्लीन स्वीप कर लेंगे। अगर यहाँ पे सामने वाली टीम हरियाणा जीती है तो हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है। तो जैसे कि देखिए, मैंने अपनी टीम में भरत को लिया है, फिर मैंने सिद्धार्थ देसाई को लिया हुआ है और ऑलराउंडर से मैंने नीरज नरवाल को लिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं चेंज क्या कर सकता हूँ, एक नीरज नरवाल के जगह पे मैं इजिली अपने टीम में लेके जा सकता हूँ, वो नाम क्या है, वो नाम है यहाँ से आपको दिख जाएंगे आशीष का। और उस कंडीशन में मैं यहाँ पे एक रिस्क ले सकता हूँ, जयदीप दहिया सुरजीत में से जयदीप दहिया को ड्रॉप करके अपने टीम में लेके जा सकता हूँ। यहाँ से आपको दिख जाएंगे विशाल लाठर उनको, और उनके उनके इसमें मैं सिद्धार्थ देसाई के जगह पे या तो मैं इनको मन किया तो लेके जाऊंगा या मैं एक्स्ट्रा जो है ऑलराउंडर लेके चला जाऊंगा। तो जो भी बदलाव करूंगा मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा, क्योंकि इस मैच में स्टार्टिंग सेवन हरियाणा का क्या रहेगा वो अपने आप में बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है। कैप्टन वीसी को लेकर बात करें तो मैंने अभी के लिए कैप्टनसी का आभार सौंपे हैं भरत को, वीसी में सौरभ नांदल, अमन में से किसी एक को देखे जाने वाला हूं। फिलहाल ये मेरा फाइनल टीम है सभी एप्लीकेशन पे। अगर दोस्तों मेरी टीम में कोई बदलाव होता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। और ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में मैंने लाइक के टारगेट रखे हैं 2500 का। मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो इस लाइक का टारगेट को हम अचीव कर लेंगे। अब यहां तक पहुंचाना कैसे है ये भैया आपकी जिम्मेदारी है, अब कैसे पहुंचाओगे वो आप डिसाइड कर लो यार, लाइक कर लो। बाकी उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से मिनी जीएल जरूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।